नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ रितिका। इस वक्त की बड़ी खबर जो है मैं आप दर्शकों तक बता दूं कि बौखलाया पाकिस्तान या बौखलाए आतंकवादी जो है लगातार किसी एक आम इंसान को, एक सिविलियन को जो है वो अपना अब एक मोहरा बना रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तरीके से हमले किया जाए। हमले जो है उनकी ओर से नहीं हो पा रहे हैं, लगातार सुरक्षा बल जो है उन्हें हर तरीके से नाकाम कर रही है। इसलिए अब वो एक आम इंसान को, सरकारी कर्मचारियों को जो है वो इसका निशाना बना रहे हैं। फिलहाल आपको मैं खबर बता दूँ कि कल रात जो है कश्मीर में आतंकवादियों ने एक सरकारी कर्मचारी को जो है वो उसकी हत्या कर दी है। उसके घर पर जाकर जो है उन्होंने गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसके बाद उसकी हत्या जो है वो हो चुकी है। और ये जो व्यक्ति है ये सरकारी कर्मचारी था और ये जावेद, इनका नाम जो है वो जावेद बताया जा रहा है और ये शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है वो थे। और घटना के बाद सुरक्षा बलों ने अब इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और अब वहाँ पर उन दहशतगर्दों की तलाश जो है वो की जा रही है और लगातार जो है उनकी ओर से ये हत्या के जो मामले हैं वो किए जा रहे हैं। हत्याओं को जो है वो उनकी ओर से लगातार अंजाम दिया जा रहा है। और मैं आपको ये दक्षिण कश्मीर पुलवामा के तरार इलाके की बात बता रही हूँ, जहाँ पर कल रात आतंकवादियों ने एक शिक्षा विभाग के कर्मचारी जिनका नाम जावेद अहमद बताया जा रहा है उनके घर में घुसकर जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी है। और घटना के बाद सुरक्षा बलों ने अब इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। अधिकारियों ने ये भी बताया कि कल रात लगभग 9:35 पर जो है वो जावेद अहमद को आतंकवादियों ने जो है वो मारा है, यानी कि उनकी हत्या जो है वो किया। शुक्रवार की रात त्राल के लुड़गाम इलाका जो पड़ता है वहाँ पर जावेद अहमद अपने घर पर थे और रात लगभग 3:35 पर जो है आतंकवादियों ने घर में घुसकर उसे गोली मार दी और वहाँ से जो है भाग निकले। और तत्काल जावेद को स्थानीय अस्पताल में लेके जाया गया उसी समय और जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत जो है वो घोषित कर दिया। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया और जावेद शिक्षा विभाग यानी कि GHS खलील में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में जो है कार्यरत थे और पुलिस ने मामला दर्ज जो है वो जांच करनी शुरू कर दी है। और लगातार जो है वो एनकाउंटर्स भी चल रहे हैं, चाहे जम्मू की बात हो तो जम्मू में ड्रोन एक्टिविटी लगातार देखी जा रही है, जिसमें कल जो है वो ड्रोन ने 5 किलो IED भी बरामद की गई है और ड्रोन को जो है मार गिराया है। कश्मीर की बात करूँ तो कश्मीर में लगातार जो है वो सरकारी कर्मचारियों को, आम व्यक्तियों को जो है अपना निशाना बनाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं और ये लगातार जो है गतिविधियाँ चलती जा रही हैं। अब पुलिस वालों ने यानी कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सुरक्षा बलों ने उस इलाके को पूरी तरह से घेर लिया और अब जो है उनकी ओर से वहाँ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है कि वो दहशतगर्द जो वहीं पर अभी छुपे हुए हैं उनको जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि उनको जो है वो बाहर निकाला जाए। यूँ तो जो है लगातार यहाँ पर गतिविधियाँ चलती जा रही है। अब जब हमला करने में उनकी चूक हो रही है, हमला जो है उनकी जो साजिश है वो नाकाम कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस, तो उनकी ओर से अब ये प्रयास किया जा रहा है कि एक आम इंसान को, एक सिविलियन को जो है वो मासूम लोगों को अपना निशाना बनाकर जो है अब कुछ ना कुछ तरीके से गतिविधियाँ जो है वो यहाँ करने का प्रयास जो है लगातार कर रहे हैं। चाहे मैं आपको बताया कि अखनूर में संदिग्ध देखे गए थे, कश्मीर में लगातार एनकाउंटर चल रहे हैं, तो इस प्रकार से जो है बौखलाहट उनकी दिख रही है और अब आम व्यक्ति को निशाना बनाना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। फिलहाल वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उन आतंकवादियों को जो है वो ढूंढने का प्रयास लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है। उस इलाके को पूरी तरह से सील जो है वो कर दिया गया और ये बात जो है कल मैं रात की बता रही हूँ कि 9:35 के लगभग जब वो अपने घर पर थे तो आतंकवादियों ने उनके घर पर जाकर जो है गोलियां बरसाना शुरू कर दी। उसी वक्त उन्हें हॉस्पिटल जो है लेके जाया गया और वहाँ पर डॉक्टर्स ने जो है उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया, अब इसकी जांच जो है वो चल रही है। फिलहाल अभी की ये बड़ी खबर आती है और बाकी ऐसी तमाम निचले आप लोग जुड़ रहे हैं बाहु एक्सप्रेस के साथ।